अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद आबिद सलीम, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहला सवाल, शायद ये सवाल आपको लगे कि किस तरह का सवाल है, पर ये इसलिए पूछना चाहूँगी कि अमूमन हम कोई भी बीमारी होती है उससे पहले ये सोचते हैं कि आया ये बीमारी हुई क्यों है, इसकी क्या वजह हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर होने की क्या वजह हो सकती है? अच्छा, देखिए, इसमें जो वजूहात हैं वो एक से ज़्यादा हैं। अच्छा। और इस पर रिसर्च अभी भी हो रही है कि इसका एक्चुअल कॉज या सबसे कॉमन कॉज क्या है। अब उसमें जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं, एक तो वो हैं जो ब्रेन में ख़ुद से शुरू होते हैं और कुछ वो हैं जो बॉडी में शुरू होते हैं और वहाँ से फिर दिमाग तक पहुँचते हैं। तो किसी भी टिशू की जो ग्रोथ है वो अगर एबनॉर्मल हो जाए, वो बॉडी के अपने कंट्रोल से बढ़ जाए, उसके कंट्रोल में ना रहे, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो अब ब्रेन के जो मुख्तलिफ टिशूज़ हैं उनमें से किसी से भी वो ग्रोथ शुरू हो सकती है। वो ब्रेन का अपना टिशू है या ब्रेन की कवरिंग्स हैं या वन उसकी जो स्कल है वो, या उसमें जो खून की नालियाँ हैं वो, या उसमें जो नसें हैं वो, इन सब से इस ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत हो सकती है। तो ये एक इत्तफाकन अमल समझा जाता है कि जो सेल्स एक से दो होने थे और वहाँ रुक जाने थे वो दो से चार आठ होने शुरू हो जाते हैं। तो एक किस्म का कंट्रोल लूज़ कर दिया जाता है उन सेल्स के ऊपर बॉडी का, तो वो फिर ग्रोथ की शक्ल में आता है जिसको ट्यूमर कहते हैं। ठीक, तो फिर वो बात जो कहते हैं अमूमन के मयाना रेडी हर चीज़ में होनी चाहिए, वो बेहतर होती है, जो चीज़ लिमिट से आउट होती है तो फिर वो मुश्किल पैदा करती है। ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने केसेस माशाल्लाह अभी तक आप कर चुके हैं, याद हो तो एक लंबा अरसा, कितना अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए? अच्छा, जी, न्यूरोसर्जरी में जो मैं ब्रेन ट्यूमर से अगर आप पूछें जो मेरा रिलेशन रहा है उसके इलाज के सिलसिले में, तो तकरीबन 15 साल हो गए हैं और 5,000 से ज़्यादा केसेस हम ब्रेन ट्यूमर के मैं ट्रीट कर चुका हूँ। और इसमें जो ख़ास बात है कि हमने शुरुआत तो सर्जरी से की थी, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो सर्जरी से हम आप बचाना शुरू हो गए पेशेंट्स को, और बगैर सर्जरी के इसका हल निकाल लिया गया है ब्रेन ट्यूमर्स के इलाज का। अच्छा। तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो बगैर सर्जरी के ट्यूमर का इलाज किया जाता है, जिसको हम गैमा नाइफ, एक गैमा रेज कहते हैं। अच्छा डॉक्टर, पहले अगर सर्जरी पे हम बात कर लें और फिर इस तरफ आते हैं कि जब सर्जरी आप करते थे, अब तो आप चाह रहे हैं कि सर्जरी से बच के अब इस तरफ, और अच्छी बात है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमें चीज़ें बेहतर की तरफ ही जानी चाहिए, जब दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमें भी बढ़ना है। डॉक्टर साहब, जब सर्जरीज आप कर रहे थे तो क्या डिफ़िकल्टीज आती थी पेशेंट को, आपको किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा, उसमें देखें, ब्रेन जो है एक बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू है। अब मैं कहूँ कि अगर जिसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टिश्यू कोई है तो वो ब्रेन है। तो इसको जब हम सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो एक सेंसिटिव टिश्यू को जब भी आप इवन टच भी करते हैं तो वो अपना एक रिस्पॉन्स शो करता है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि इसमें ब्रेन में आपके पास कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, एक जो नुकसान हो चुका उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उनके ब्रेन में रीजनरेशन की ताकत कुदरत ने नहीं रखी है। अगर एक चीज़ आपने लूज़ कर दी तो वो ऑलमोस्ट यू हैव लॉस्ट फॉरएवर। तो ये उसके अपने एक इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं ब्रेन की, जो सर्जरी में बचाना काफ़ी मुश्किल होता था। और दूसरा ये कि जो हमारे ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो डायग्नोस काफ़ी लेट होते हैं। अच्छा। तो उस स्टेज पे हमारे पास पहुंचते हैं कि जहाँ सर्जरी एक तो वैसे ही मुश्किल है और साइज़ की वजह से मज़ीद मुश्किल हो जाती है, और दूसरा कॉस्ट के इस ब्रेन सर्जरी के जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए जो ICU मैनेजमेंट चाहिए, डेट वाज आल्सो वेरी कॉस्टली, और वो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल भी नहीं होती। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो हम कर सकते हैं, लेकिन इन जो हमारे एक्सेसरीज चाहिए वो ना होने की वजह से वो अटेंड भी नहीं कर सकते कि वो उसकी जो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन हैं वही पेशेंट के लिए जानलेवा होंगी। तो बहुत मुश्किल हैं सर्जरी में। तो हम अक्सर यही चाहते हैं कि अगर पेशेंट को बचा लें सर्जरी से किसी और तरीके से, तो हमेशा वो रास्ता इख्तियार करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो किस तरह की चीज़ें जो हैं बॉडी में, ब्रेन में, या आपको कुछ चेंज फील होगा इस तरह की? अमूमन डॉक्टर जो डॉक्टर मेरे पास शो पे आते हैं वो अमूमन बताते हैं, क्योंकि
हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है, अगर हम उनकी बात करें, मैं अपनी भी बात करूंगी, कि हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि अगर तबीयत ख़राब हुई है, एक बार डॉक्टर के पास गए हैं तो फ्लू की वही दवाई मैं ले लूँ, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। एक तो टाइम की कमी, दूसरा पैसे फजूल ज़ाया होंगे, टेस्ट तो करवाने नहीं है, फिर टेस्ट में अगर कुछ करवाया और कोई बीमारी ना निकली तो पैसे ज़ाया। हालांकि खुश होना चाहिए कि टेस्ट हमारे बिल्कुल अच्छे आए हैं, कोई बीमारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा जाता है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें फील हो रही है तो फिर आप जाएं और अपना टेस्ट करवाएं, तो ब्रेन ट्यूमर के लिए स्टार्ट में क्या ऐसी चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं, बॉडी में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे पता चलेगा आपको कि हाँ कुछ चेंज आया और अब आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है? जी अच्छा, उसमें मैं आपको बहुत बेसिक से शुरू करूँगा कि ब्रेन में आप एक तो ये चीज़ समझ लें कि ब्रेन में लोकेशन वाइज हैं सब चीज़ें। अच्छा। आँख का फंक्शन एक हिस्से के पास है, कान का फंक्शन एक हिस्से के पास है, आपके बोलने का फंक्शन, आपके मसल्स की पावर का, डिफरेंट एरियाज हैं। तो अब ब्रेन ट्यूमर उस हिस्से से शुरू हो रहा है जहाँ पे आँख का हिस्सा करीब है, तो आपको फौरन नज़र में मुश्किल शुरू होंगी। अच्छा। अगर कान के हिस्से के पास है तो एक कान की हियरिंग जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा। बोलने में मुश्किल हो रही है आपको, या आपको जो स्ट्रोक की तरह फालिज की तरह से अलामत अचानक आ गई, वो भी उसी ट्यूमर की वजह से हो सकता है। तो और एक बात चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस हो जाती हैं, अचानक किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया, एडल्ट आदमी को पड़ गया, डेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि कोई ट्यूमर वगैरह डेवलप हो रहा है, उसको आपने रूल आउट करना है। तो इसमें एक तो ये चीज़, और दूसरा है कि अगर कोई भी इलामत आपको आम दवाई से ठीक नहीं हो रही तो आप लिंगर ऑन ना करें, उसको डिले ना करें, और जल्दी से उसका कोई एक टेस्ट, जैसे आजकल MRI आया हुआ है, MRI आपको ब्रेन बिल्कुल किताब की तरह खोल के दिखा देता है, और जो स्क्रीनिंग है वो 2,000 से 3,000 रुपये में भी हो जाती है, सो सिंपल। तो अगर भी नहीं है स्क्रीनिंग, एक्सपेंसिव नहीं है, अगर वो आप करा लें तो आपको जो 90% इलामात की वजह से जो चीज़ें जाहिर आपने रूल आउट करनी होती हैं वो आराम से हो जाती हैं। तो हम जब ये देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट आ रहा है और लेट स्टेजेस में आ रहा है और सिर्फ एक मामूली से इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से वो डिले होते रही चीज़ें, तो उसका बड़ा अफसोस होता है। तो कभी किसी इस इलामत को जो आप समझें कि ये आम दवाई से ठीक नहीं हो रही, फ़ौरन उसको टेस्ट के ऊपर जाएं, इमेजिंग के ऊपर जाएं, कि वो आपको सही उसकी तरफ गाइड करेगी। और अक्सर ये डिले जो होता है वो यही होता है कि इमेजिंग बात देर से की जाती है, इसलिए मिस होती हैं चीज़ें। ठीक। अरे डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर का किस स्टेज तक आप समझते हैं कि इलाज सर्जरी से, या जो आपने बताया कि एडवांस अब हम इस तरफ जा रहे हैं और इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, अब मुझे ये बताएं कि किस स्टेज तक जो है वो इलाज हो सकता है और उसके बाद फिर मुश्किल या नामुमकिन? ठीक। उसमें एक ये चीज़ समझने की है कि ट्यूमर्स को हम दो किस्मों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक को बिनाइन और एक मलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो जानलेवा नहीं समझे जाते हैं, और जो मलिग्नेंट हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले होते हैं और उसमें ज़रा सिचुएशन क्रिटिकल जल्दी हो जाती है। लेकिन ब्रेन का मसला है कि इवन जो बिनाइन ट्यूमर्स अगर वो साइज़ में बढ़ जाएं तो वो उतने ही ख़तरनाक हो जाते हैं जितना कि कोई मलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि ब्रेन में एक लिमिटेड स्पेस है, अगर वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा तो बाकी ब्रेन कंप्रेस होकर अपने फंक्शन छोड़ता जाएगा। तो अगर बिनाइन ट्यूमर्स आप अर्ली स्टेज में पकड़ लें तो वो कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं। मलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते बाय नेचर ऑफ द ट्यूमर जितने बिनाइन में होते हैं। तो अगर वो हम उसको 1 से 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं जो मलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 का इलाज किसी हद तक मुमकिन है, लेकिन ग्रेड 4 में अभी भी उस पर रिसर्च जारी है कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। डॉक्टर साहब, अब अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो वो अपना लाइफ स्टाइल, क्या उसका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होता है, जॉब, ऑफिस, बिजनेस, घर, नींद, अपनी हेल्थ को देखना डिस्टर्ब होता है? जी बिल्कुल, उस पर वही कि प्राइमरीली उसने किस इंसान की कॉग्निशन को या विजन को या हियरिंग को किसको उसने इफेक्ट किया है, तो ज़रा अगर वो उससे रिलेटेड, उसके जॉब से रिलेटेड है, एक तो वो फ़ौरन उसके ऊपर असरात आने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा भी जब आप आदमी महसूस करता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, तो स्ट्रेस, एंगजाइटी एक नेचुरल चीज़ है। तो और उसके बाद उसका इलाज के बारे में सोचता है कि मुझे सर्जरी से गुजरना है और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने काफ़ी हद तक आजकल टेक्नोलॉजी से कवर किया है कि हम अगर पेशेंट को सर्जरी से बचा लें, क्योंकि सर्जरी आप देखें अगर किसी मेजर हॉस्पिटल में कराते हो तो आपको 15-20 लाख से ज़्यादा खर्चा होता है, और उस प्रोसेस से गुजरना और फिर उससे सेहत याब होना वही असल मसला है।
तो अभी जो हम जैसे हम गैमा नाइफ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें इतना आसान हो गया है, इवन जैसे बिनाइन ट्यूमर्स हैं उसके लिए पेशेंट हमारे पास सुबह आएगा, उसका MRI होगा, उसको हम प्लान करके मशीन में ट्रीट करेंगे और शाम को वो घर वापस जा सकता है। अच्छा, उसमें किसी बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं, किसी कटिंग की ज़रूरत नहीं, तो इन सब चीज़ों से उस हम उस पेशेंट को बचा लेते हैं। मतलब ये इतनी इफ़ेक्टिव और कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जिसकी मैं अवेयरनेस देना चाहूँगा लोगों को कि अगर वो किसी ब्रेन ट्यूमर से मुतासिर हैं तो फौरन इस चीज़ का मालूमात लें कि आपको गैमा नाइफ से ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, अगर ट्यूमर का जितना साइज है वो देख के सेशन बताए जाते हैं, कितने सेशन होंगे, कम से कम कितने सेशन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेशन होते हैं? जी, ज़्यादातर केसेस हम सिंगल सेशन में ट्रीट कर लेते हैं, एक ही सेशन में हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लेट डायग्नोसिस होते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास बड़े साइज में भी आते हैं, तो फिर हम उनको फ्रैक्शंस में करते हैं। तकरीबन हमारे पास जो एवरेज टाइम फिर बन जाता है 5 सेशंस का, तो पेशेंट को तकरीबन आधे घंटे के लिए मशीन में डेली लेटना होता है 5 दिन के लिए और उसकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है। इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट? अच्छा, इसमें भी एक तो साइज़, अगर साइज़ छोटा होगा उतने कॉम्प्लिकेशंस और ये साइड इफ़ेक्ट्स कम होगी, साइज़ अगर बड़ा होगा तो उसमें चांसेस होते हैं, लेकिन उसको फिर हम कवर करते हैं, साथ साथ मेडिसिन ऐसी देते हैं जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करती जाए साथ में, तो वो मैनेज किया जाता है उसको। अच्छा, और ये सेशन होने के बाद कंप्लीट इलाज हो गया, पेशेंट बिल्कुल रिकवर कर गया, बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसके बाद भी मेडिसिन जारी रहती है? अच्छा, इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद हम पेशेंट को फॉलोअप्स करते हैं 3 से 6 महीने के लिए, पेशेंट हमारे पास वापस आता है या अगर वो किसी दूसरे शहर से आता है तो वहाँ से MRI करके हमें इमेजेस भेजता है, जिसको हमारे पास जो रिकॉर्डेड इमेजेस होते हैं उसके साथ हम मैच करके उसको फिर वापस रिपोर्ट करते हैं कि आपका ट्यूमर इतना ख़त्म हो गया है, टोटली डिजॉल्व हो गया है, इतना बाकी है, आपको मज़ीद कितने फॉलोअप्स करने होंगे, फॉलोअप्स विद MRI, यानी उसको एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत रह जाती है उसके बाद। ये चीज़ है। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर रीग्रोथ फिर दोबारा से हो सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं? जी, बास ट्यूमर्स में तो बहुत ज़्यादा रेशो है रीग्रो होने का, बास ट्यूमर्स में बहुत कम है, तो जिनमें रीग्रो होने के चांसेस होते हैं वो पेशेंट को हम पहले बताते हैं, उनको फिर मॉनिटरिंग और क्लोजली किया जाता है कि अगर रीग्रो हो भी रहे हैं तो उसको बहुत अर्ली पकड़ लिया जाए और उसकी गैमा नाइफ भी हो सकती है, उसको हम दोबारा गैमा नाइफ करके वापस उसको नॉर्मल हालत में ले आते हैं। डॉक्टर साहब, आप जो केसेस आपने देखे हैं माशाल्लाह, एक लंबा अरसा और फिर इतने केसेस कराची से, आप क्या समझते हैं कि कितने केसेस आपके पास आए और आउट ऑफ सिटी, ये अगर थोड़ा सा एक हम लगाने की कोशिश अगर कर लें तो? जो गैमा नाइफ टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ कराची में ही अवेलेबल है, शहरों की अगर आप अच्छा कराची में ऐसे तो हमारे पास सारे पाकिस्तान से केसेस आते हैं, तो उसमें कराची, सिंध, पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर, इवन आउटसाइड द कंट्री अफगानिस्तान और जगहों से भी केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये एग्जैक्ट इंसिडेंस और प्रिवेलेंस इज वेरी स्पेशलाइज्ड टॉपिक के उसको हम उस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक अब अगर आप उन मुल्कों की बात करें जहाँ पे इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, फॉर एग्जांपल USA, अमेरिका, तो उसमें अब जो भी करंट स्टैटिस्टिक्स है 2023 में उनके पास 1 लाख नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं ब्रेन ट्यूमर के ऑल ओवर द कंट्री, और एट उसकी जो प्रेवेलेंस है उसके लिहाज से तकरीबन 10 लाख लोग इफेक्टेड हैं पूरे अमेरिका में जिनका इलाज जारी है। ये उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान में, क्योंकि ये ओवरऑल इंसिडेंस सेम ही है मुख्तलिफ मुल्कों में। जी, लोग सब कराची में ये टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में कहीं नहीं, और पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे आते हैं, कराची में कब से कितना अरसा हो चुका है अगर उस हवाले से बताएं? जी, कराची में ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 2008 से ये इस पर काम जारी है, शुरू है, मैं 2008 से ही इस पर काम कर रहा हूँ। अभी जो है पब्लिक सेक्टर में डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में ये मशीन आएगी, तो लास्ट 2 ईयर से आई एम स्विच्ड ओवर टू डाउ, जहाँ पे हम लोगों की और ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट में इलाज काफ़ी महंगा था, तो अभी हम सिर्फ 2.5 लाख रुपए में पेशेंट की टोटल ट्रीटमेंट कर लेते हैं, विच इज़ लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इज़ अवेलेबल इन द प्राइवेट। और इसके अलावा हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इतने फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं कि अगर कोई पेशेंट नीडी है और वो इतने भी पे नहीं कर सकता तो हम उसको कभी वापस नहीं जाने देते और उसको हम ट्रीटमेंट
किसी ना किसी सूरत करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी ज़रूर, अमूमन बाज़ लोग ऐसे होते हैं, अब तो बहुत कम लोग ऐसे नज़र आते हैं मुझे, शायद आपको नज़र आते हो, आप बताइएगा कि बहुत कम लोग, अब लोगों ने एक रूटीन बनाई हुई अपनी कि सुबह ऑफिस जाना है, जॉब करनी है, आना है, शाम को घर पे एक दो घंटे आराम करना है, फिर दोस्तों में बैठना है, सो जाना है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोते वक्त भी सोच रहे होते हैं जहन में कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, और सुबह अगर वो अपनी जॉब करें तो ये जो ब्रेन है ना, इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल का बताऊँ तो इस टाइम मेरी ज़िंदगी में इतने काम है कि बाज़ दफ़ा मैं आधा घंटा घर जा कर ना हैंडफ्री लगा के कोई गाने सुनती हूँ कि मैं हर चीज़ से अलग हो जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा ब्रेन थक चुका है और वो अब चाह रहा है सारी चीज़ों को भूल जाओ। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसी एक थेरेपी आप बनाना चाहें हम जैसे काम वाले लोगों के लिए, कि बाज़ दफ़ा ना सोच सोच के ना और इतने काम देख देख के ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ कुछ होने वाला है, तो कोई एक हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इंसानी जहन में और उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है स्ट्रेस को और वर्कलोड को हैंडल करने की, लेकिन फिर भी हर चीज़ की एक लिमिट है। तो आपको एक तो अपनी वो लिमिट पता होनी चाहिए, और ये बेहतर रहता है कि अगर आप अपनी तवज्जो या ऐसी कुछ हॉबीज़ साथ में रखें जो आपको रिलैक्स करें, और एक वर्क और फैमिली लाइफ का जो बैलेंस होता है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो फॉर एग्जाम्पल द टाइम यू स्पेंड विद योर फैमिली एक्चुअली गिव यू ए बूस्ट, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी को म्यूज़िक पसंद है तो वो, अगर किसी ने टीवी एंटरटेनमेंट मूवीज़ देखनी है तो वो, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आपका जो वर्कलोड है वो ब्रेन के ऊपर वो उस चीज़ से हट जाए और आपकी वो चीज़ें सबकॉन्शियस में चली जाए। तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियस में भी काम कर रहा होता है, तो वो काम जो आपने छोड़ दिए वो आपका कंप्यूटर में सीडी ड्राइव में चल रहा होता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप अगले दिन उठेंगे तो आपको हो सकता है उसके सोल्यूशन आपको रेडीमेड बने हुए मिले अपने जहन। डॉक्टर साहब, आपने जितने केसेस में देखे, आपने किए केसेस, और ब्रेन ट्यूमर का अगर देखे मर्द और औरत, आपने खुद अपना एक्सपीरियंस क्या देखा कि रिकवरी के अगर मामलात में देखें तो मर्द या औरत कौन जल्दी रिकवर कर जाता है? अब वो चीज़ें तो आपने बहुत सही बताई हैं, साइज़ छोटा और ये और वो, फिर भी एक कहते हैं ना अपनी भी तो एक पावर होती है स्ट्रांग, कोई भी अगर पेशेंट है और उसको कोई भी बीमारी हुई है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो उस बीमारी के इलाज से पहले आपको खुद इतना स्ट्रांग और मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आप उस बीमारी से लड़ सकें। जी, असल ये इट इज़ वेरी इंडिविजुअल मैटर, ठीक है, मुख्तलिफ कल्चर्स में भी मुख्तलिफ इसका आंसर आप दे सकेंगे। अगर आप इंसिडेंस की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस थोड़ा सा फीमेल्स में ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ट्रेंड इस तरह से है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो हमें हर चीज़ में जो मेल पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं अगर हम अपना पास्ट रिकॉर्ड जाके देखें तो, लेकिन जो इंसिडेंस है वो लेडीज़ में ज़्यादा है। तो लेडीज़ को शायद लेट ट्रीटमेंट की तरफ ले जाया जाता है या कम ले जाया जाता है, तो ये हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसमें। और जो आपने बात की कि किस तरह से मुकाबला करते हैं, दैट इज़ वेरी इंडिविजुअल कि आप वो उसको अपना उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी फैमिली सपोर्ट कैसी है, उनके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं, उसके ऊपर ये काफ़ी डिपेंड करती हैं चीज़ें। एज अ डॉक्टर, आपके लिए कितना टफ होता है जो पेशेंट आया उसकी रिपोर्ट्स देखना, उन्हें बताना और वो सारी चीज़ें, क्योंकि हम अमूमन टॉपिक पे रहते हैं, हम ये क्यों नहीं पूछते कि जो सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं उनके लिए कितना टफ है? रेयर क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है, आमतौर से डॉक्टर से ये चीज़ नहीं पूछी जाती, लेकिन आप ये समझ लें कि जैसे हम सर्जरी में पेशेंट को बेहोश करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं कि मरीज़ को पेन ना हो, इसी तरह से सबकॉन्शियसली हम अपने आप को भी एनेस्थीसिया दे चुके होते हैं कि हमें उन चीज़ों को उस लेवल पे जाके महसूस नहीं करना जो कि आप जिस तरह से उसको समझते हैं कि ये तकलीफ दे होंगे पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए। तो हम ये बाज़ुकात हम सोचते तो हैं कि ये चीज़ हमारी अपने किसी प्यारे को भी हो सकती थी, लेकिन जस्ट आफ्टर लेटर मोमेंट हम अपने आप को एनेस्थेटाइज कर चुके होते हैं और बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रहे होते हैं। तो ये एक माइंडसेट बन जाता है, वरना तो आप काम नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक
ऐसी एक चीज़ आज से 3 साल पहले हुई कि एक बच्चा, मतलब बच्ची बहुत कम एज की होगी, मेरे ख्याल से 5 साल या 4 साल की, हार्ट प्रॉब्लम था और उनकी सर्जरी थी और डॉक्टर ने कहा था कि कल सर्जरी हो जाएगी। अब वो, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब थोड़ा सा मैं डॉक्टर्स के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ कि हुआ ये कि उन्होंने फिर कहा कि मसला ये है कि आज मैंने जितनी सर्जरी करनी थी मैंने कर ली, अब इसके बाद अगर मैं सर्जरी करूँगा मैं इतना थक चुका हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ें हैं। हाँ नहीं, ये तो नोट किया गया है कि ओवरऑल इस पर स्टडीज़ भी हुई हैं कि ऐसे हॉस्पिटल्स में या डिपार्टमेंट्स में जहाँ कि ओवरवर्क किया जाता है या जिस जो उनका स्टाफ ओवरवर्क कर रहा होता है उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम होती जाती है स्ट्रेस की वजह से, तो वहाँ पर एक लिमिट रखी गई है कि इस लिमिट के बाद इनके ऊपर काम का लोड ना डाला जाए। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को अफेक्ट कर रहा होता है, जो वर्क लोड होता है वो, अब उसमें जो सर्जरी में तो बहुत ज़्यादा प्रसीन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये डॉक्टर सर्जन इतना चांस नहीं लेता। लेकिन हमारा जैसे अब काफ़ी काम कंप्यूटर पर आ गया है जी। तो हमें उस तरह से हमारी जो रिस्क कैपेबिलिटीज़ हैं वो बेहतर हो गई हैं और हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं इस जो हमारी टेक्नोलॉजी है इससे। लेकिन जो मैनुअल वर्क कर रहे होते हैं उसमें डेफिनेटली ये चीज़ माइंडसेट में रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि आप एक लेवल के बाद जो है उस पर मजीद काम ना करें। लेकिन ये होता है जब एक दफ़ा आप काम शुरू कर जाते हैं देन यू आर इन ए स्टेट ऑफ फ्लो, एक नॉन स्टेट है, इसको फ्लो स्टेट कहते हैं, उस पर तो आपको टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता। अगर आप 5-6 घंटे भी सर्जरी कर रहे हैं तो आपको टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता, आपको बाद में देखते हैं अच्छा 6 घंटे हो गए। तो ये चीज़ है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉरेटरी की जानिब से है, और आप देखते हैं कि हर हफ्ते आपके सामने हम हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं। कोशिश ये होती है मेरी कि सवाल कुछ इस तरह के हो जैसे आप सुनना चाहते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल जवाब शायद आपको समझ ना आए, इसलिए सवालों को बहुत आसान करके करती हूँ। और जो डॉक्टर साहब हमारे पास आते हैं हमारे शो पे माशाल्लाह, वो भी जवाब बहुत अच्छे अल्फाज में देते हैं जो आपको समझ आ जाते हैं। तो कोशिश यही करें कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बीमारी से आप गुज़र रहे हैं तो मकसद ये है शो का कि आपके लिए आसानी हो, कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं कि बाद में आपको मुश्किल हो। तो यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।